कल हो, कैसे हो दोस्तों? उम्मीद करते हैं खैर वाफीत से होंगे। मज़ीद अल्लाह से दुआ है अल्लाह पाक साहब को अपने हिफ्ज़ो ईमान में रखे, सेहत और तंदरुस्ती वाली लंबी ज़िंदगी अता फरमाए, आमीन। खैर दोस्तों, आपके सामने लाइव हाजिर हैं काफ़ी दिनों के बाद। एक दवाई जो ख़ास वो तैयार कर रहे थे, जो उसका एक प्रोसेस गुजार रहे थे, उसकी आग देने लगे थे, आपके सामने उसको शेयर करते हैं, दिखाते हैं। हम कुश्ता चांदी जो है पारे वाला है, उसका मुकम्मल तरीका आपके सामने गुजार करते हैं, तो जो भी सुनिए। मेरे दोस्तों, आपने चांदी भठूर जो है, चांदी का बरादा जो अच्छे दुकान से 10 ग्राम ले लेना है, और 10 ग्राम या आपने अच्छा पारा लेना है, दोनों को एक खरल में डाल लेना है, और खटकल बूटी जिसको खट्टी मिट्टी कहते हैं और तपत्ती भी कहते हैं, उसका पानी निकाल लेना है, रस निकाल लेना है, उसका 300 ग्राम रस जो है ये इसके अंदर थोड़ा थोड़ा डालकर खरल करना है। जब 10 ग्राम बरादा चांदी और पारा 10 ग्राम के अंदर 300 ग्राम जब खटकल बूटी का पानी जो है अच्छे तरीके से खरल हो जाएगा, खुशक हो जाएगा, तो आपने एक टिकिया बना लेनी है। एक टिकिया बनाने के बाद एक छोटे से कूजे के अंदर, मट्टी के अंदर आपने उसको बंद करके केले की मत कर देना है। अभी हमने इसके अंदर इसको केले की मत कर दिया है, दवाई इसके अंदर मौजूद है, वो प्रोसेस हमने आपको नहीं दिखाया, लेकिन केले की मत करने का ही पहले वीडियो आपको दिखा चुके हैं। तो ये केले की मत करने के बाद आपने इसको ये देखें, इससे आपने जो ओपड़े हैं, ये छोटे छोटे ओपड़े आपने कर लेने, छोटे छोटे टुकड़े करने के बाद इसके अंदर आपने इसको रखना है। ये देखें, इस तरह के ओपड़े छोटे छोटे करके 5 किलो ये ओपड़े का वज़न होना चाहिए। ये 5 किलो वज़न ओपड़े हो, इस पछेर के अंदर रख के आपने महफूजुल हवा जगह के ऊपर इसको आग दे देनी है, और जब ये आग अच्छे तरीके से इसको भड़का नहीं लगाना, ये धुआँ जो है उसका निकलता रहे आस्ता आस्ता। जब ये आग ठंडी हो जाएगी, आपने ये बर्तन जो है दोबारा निकाल लेना है, और इसके अंदर खरल में डालकर दोबारा 10 ग्राम पारा डाल देना है, और खटकल बूटी का 300 ग्राम पानी जो है वो भी दोबारा आस्ता आस्ता खरल करना है। उसी तरह फिर टिकिया बनानी है, फिर उसे के अंदर छोटे से बंद करके अच्छे तरीके से गेले एक बंद करके, ये देखिए खास मट्टी जो है इसका तैयार, इसके गेले एक बंद करना है ताकि ये फटे ना। इसके बाद दोबारा फिर इसी तरह आपने 5 किलो की आग दे देनी है, इसी तरह 7 से 8 अमल करने हैं। हर बार पारा जो है 10 ग्राम नया डालना है, और खटकल भी जो है वो 300 ग्राम उसका पानी भी इसके अंदर खरल करना है। टिकिया बनानी है, दोबारा गेले बंद करना है, दोबारा आग देनी है। 7-8 अमल करने के बाद आपका कुश्ता जो है चांदी पारा दार खटकल बूटी तैयार है। आप इसको 1/4 का आधी रत्ती मुख्तलिफ तड़का जहाँ से दे सकते हैं, उससे मक्खन से मलाई से, इसके अलावा आप जो सीनियर हुकामा है, जो बड़े हुकामा है, असाज़ा लोग हैं, वो अपने अकल से तनाई से मुख्तलिफ तड़का जहाँ से इसको मौसम को शिद्दत को देख के इस्तेमाल करा सकते हैं। प्यारे दोस्तों, ये बेहतरीन अज़ाहिर हिस्सा के लिए बेहतरीन है, दिल जिगर और दिमाग को ताकत देता है, उठते बाग के लिए मफीद है, दुर्टी इमसाक पैदा करता है। इसके अलावा प्यारे दोस्तों, बेहतरीन मुगलज मनी है, मलते मनी है, और खून को पैदा करता है, इसके यानी कि मलते खून भी है, बेहतरीन खून को पैदा करता है, जिस्मानी ताकत के लिए बेहतरीन है, और ख़ास तौर पर जिनको दूध हजम नहीं होता, इंशाल्लाह ताला ये बेहतरीन से दूध हजम होता है, मेदे को जो है अपनाज होते हैं उसको भी के लिए भी ये मफीद होता है, ख़ास तौर पर उठते बाग के लिए और मसाक के लिए, और ये बहुत मफीद है। मेरे दोस्तों, ये था कुश्ता चांदी पारे वाला दार खटकल बूटी। तो हम याद रखें, आपने 7 ग्राम कदम ग्राम करें, उनसे ज़रूर रहनमाई लें, तो हम याद रखें, फिर बशर्ते ज़िंदगी दोबारा हाज़िर होंगे, तब तक लिए इजाज़त दीजिए। दोबारा फिर मर्ज कर रहा हूँ, हर दवाई जो होती है वो हौज का
ہر مزاج کے اوپر موافق نہیں ہوتی، اس لیے اپنے مالک سے، اپنے سازا کرام سے ضرور رہنمائی لینی چاہیے۔ قوم یاد رکھیں، پھر دوبارہ حاضر ہوں گے، تب تک اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔